दोस्तों आईपीएल 2019 सितंबर से यूएई में शुरू होने जा रही है और सभी टीम्स अपने भारतीय खिलाड़ियों को लेकर यूएई पहुंच चुके हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान, पंजाब और कोलकाता टीम की प्लेयर्स यूएई पहुंचने के बाद अब आरसीबी, एमआई और सीएसके टीम भी यूएई पहुंच चुके हैं और अपने फैंस को फोटो भी दिखा चुके हैं। तो दोस्तों आईपीएल 2020 से पहले केकेआर टीम की तरफ से तीन बहुत ही बड़े अपडेट निकल के लाया हूँ जो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और आईपीएल सीपीएल से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए। और अगर आप किसी भी टॉपिक को लेकर डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप CPL या IPL के किसी भी मैच में बड़ा अमाउंट जीतने के बारे में सोच रहे हैं तो टीम बनाने से पहले लकी भाई से एक बार जरूर कांटेक्ट करिएगा। लकी भाई काफी अच्छा प्रेडिक्शन बहुत ही कम रेट्स में प्रोवाइड करता है, जिनका पूरा डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों पहली अपडेट के बारे में बात करें तो आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि केकेआर टीम 10 नेट गेंदबाजों को अपने साथ यूएई ले जाने वाला है और उन नेट बॉलर्स को चुनने का जिम्मेदारी मेंटर अभिषेक नायर को दिया गया है। दरअसल दोस्तों बात यह है कि नेट बॉलिंग के लिए बहुत सारे गेंदबाजों की जरूरत पड़ता है और ज्यादातर गेंदबाज लोकल गेंदबाज होते हैं और अंडर 19 और अंडर 23 में खेलते हैं। अब दोस्तों इस साल आईपीएल यूएई में होने पर पहले से ही टीमों को गेंदबाजों को अपने साथ यूएई ले जाना होगा और जो जो प्रोटोकॉल प्लेयर्स को फॉलो करना होगा सेम उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको बता दूं केकेआर टीम ने एक नेट गेंदबाज को अपने साथ यूएई ले जा चुके हैं जो कि है मुस्तफा यूसुफ। दोस्तों मुस्तफा यूसुफ 19 साल का है और साउथ कश्मीर से है, जिनको केकेआर टीम अपने साथ यूएई ले गए हैं। आपको बता दूं 2019 में शिवम अवि के रिप्लेसमेंट के टाइप इनको ट्रायल के लिए बुलाया गया था और टीम उनके बॉलिंग से काफी खुश हुए थे, इसीलिए इस साल उनको नेट बॉलिंग के तौर पर यूएई ले जा चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो वो है दोस्तों CPL में केकेआर टीम की प्लेयर्स के फॉर्म को लेकर। तो दोस्तों सुनील नरीन अब किस फॉर्म में है अलग से आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। बैक टू बैक दो अर्धशतक बना चुके हैं और 5 के करीब इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करके 2 बार मैन ऑफ द मैच भी बन चुके हैं। अब दोस्तों आपको बता दूं आंदरसेल और क्रिस गेल का फॉर्म को लेकर निराश होने की कोई बात नहीं है। सभी क्रिकेट प्लेयर्स लॉकडाउन के कारण लंबे टाइम से बिना प्रैक्टिस के बैठे हुए थे, तो उसके बाद CPL जैसे बड़े टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। और आपको बताना चाहता हूं वेस्ट इंडीज की पिच और यूएई के पिच काफी अलग है, फिर भी सुनील नरीन का जिस तरह का फॉर्म CPL में देखने को मिल रहा है उम्मीद करता हूं वैसे ही फॉर्म में यूएई में आईपीएल में नजर आएंगे। और केकेआर के लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट कि सुनील नरीन अभी टॉप ऑलराउंडर फॉर्म में है। और आखिरी अपडेट के बारे में बात करें तो केकेआर टीम कप्तान दिनेश कार्तिक केकेआर फैंस को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दे चुके हैं। जी हां दोस्तों 2 बार चैंपियन टीम केकेआर के कप्तान दिनेश कार्तिक ने बता चुके हैं कि इस साल का आईपीएल काफी कठिन और अलग सा होने वाला है क्योंकि प्लेयर्स को ज्यादा प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलेगा, पर फिर भी अपने फैंस को निराश नहीं करेंगे और अपने टीम से 100% देने की कोशिश करेंगे। दिनेश कार्तिक ने बताया कि होम ग्राउंड ईडन ग्राउंड में जो फैन सपोर्ट मिलता है वो इस साल मिस करेंगे, पर यूएई में उसी फैन सपोर्ट को याद करते हुए खेलने वाले है। और केकेआर प्लेयर्स जैसे कुलदीप यादव, शुभमन गिल लॉकडाउन के कारण आउटडोर में प्रैक्टिस नहीं कर पाए पर फिर भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुके हैं और आईपीएल 2020 का फर्स्ट मैच खेलने के लिए काफी एक्साइटेड है। तो दोस्तों ये था 3 अपडेट जो मैं आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर आप केकेआर के फैन हैं तो जरूर बताना दिनेश कार्तिक की बात पर आप कितना सहमत है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। CPL IPL रिलेटेड डिस्कस करने के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।